हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और अभी हम लोग उड़न खटोले में बैठ के आ चुके हैं ऊपर, और चलिए चलते हैं हम माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो कल मैंने यही अपना ब्लॉग ख़त्म किया था, तो वहीं से आगे मैं अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जो आगे का जो जर्नी है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अब हम लोग यहाँ ऊपर आ चुके हैं और यहाँ का छोटा मोटा बाज़ार है यहाँ पे प्रसादों के या बाकी सामानों के। और ये जो आप लंबी सी लाइन देख रहे हैं ना, ये भी उड़न खटोले की लाइन है। तो जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो लोग अब नीचे जाएंगे उड़न खटोले से वापस पहाड़ों से नीचे, तो उन्हीं के लिए ये लाइन दे के रखे हैं। क्योंकि आने के समय में भी ऐसी भीड़ थी, तो जाने के समय में भी होगी। और यहाँ का वेदर देखिए कैसा मौसम हो रखा है। अभी दोपहर का टाइम है, मतलब 1 बज रहे होंगे करीब, 1:30। लेकिन देखिए मौसम ऐसा लग रहा है जो शाम हो गई है, रात होने वाली है। तो बारिश की वजह से अचानक ही ये मौसम बदला है, और इससे अच्छा भी लग रहा है क्योंकि काफ़ी ठंडा वेदर हो गया है, तो पहाड़ चढ़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। और हम लोग ऊपर आ चुके हैं, तो अब चलिए दर्शन करने। और जिन्होंने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो उन्हें मैं बता दूं, तो हम लोग पावागढ़ आए हुए हैं जो पंचारण के पास स्थित है और बड़ौदा से 50 किलोमीटर दूर है। और इस पहाड़ की जो ऊंचाई है ना वो 762 मीटर के करीब है। और इस मंदिर की महत्वता क्या है वो भी मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर दूँ। क्या 10 सीढ़ी चढ़ने का मतलब है 100 सीढ़ी चढ़ जाना। देखिए हम लोग हाँफ रहे, केबल कार से ऊपर आने के बाद भी करीब 150 सीढ़ी होगा। क्यों? यहाँ पीछे देख सकते हैं, हमारे पीछे देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग पहाड़ी, आप देख सकते हैं हम लोग कितनी ऊंचाई में। और यहाँ हमें पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है। तो इतनी ऊंचाई पे सब लोग आते हैं माता जी के दर्शन करने, इतना कष्ट और इतनी तकलीफें सह के। तो अभी तो यहाँ पे केबल कार हो चुका है रोप वे, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। पहले तो लोग पूरा नीचे से पूरा पैदल चल के ऊपर आते थे माता जी के दर्शन करने। और इस मंदिर की इतनी ज़्यादा महत्वता इसलिए है क्योंकि ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। और ऐसा कहा जाता है कि माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था यहाँ पे, तो इसलिए इस स्थान को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजनीय माना जाता है। और चैत्र महीने में ना इस मंदिर में बहुत बड़ा मेला भी लगता है, तो जिसमें हजारों ही श्रद्धालु आते हैं ये मेला देखने के लिए और माता रानी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं अब, तो ऊपर से आप लोग को व्यू दिखाऊँ मैं। तो बस देखिए बस 1 सीढ़ी और बाकी है, तो हम पहुंच जाएंगे मंदिर में। और ऊपर जाके ना मैं आप लोग को मंदिर का पूरा व्यू दिखाऊंगी। ये देखिए हम लोग मंदिर के पास आ चुके हैं, और यहाँ से चारों तरफ का व्यू आप लोग एंजॉय करिए। ऐसा लग रहा है जो पूरा चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा बादल ही बादल है। और ऐसा लग रहा है जो बादलों के बीच में माँ ने अपना घर बसा के रखा है, और सभी भक्त सभी श्रद्धालु बस माता जी के दर्शन करने के लिए आए हैं बादलों में। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बस बादलों के बीच में हम खड़े हैं। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, थोड़ा सा बारिश हो गया तो सब गीला गीला है, अच्छे से दर्शन हो गए। बिल्कुल थोड़ी सी भीड़ थी लेकिन यहाँ पे आराम से दर्शन कर लिए हमने, और अब चलिए चलते हैं। लेट हो गया है तो लग रही है ना, तो कुछ खिला पिला देंगे बच्चों को, उसके बाद मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो मैं इसलिए नहीं दिखाया पाई आप लोगों को। बाहर से यहाँ मंदिर आप देखिए, ये है मंदिर, मेन मंदिर पावागढ़ वाली माता का मंदिर। लड्डू व्हाइट। तो हमारे अच्छे से दर्शन हो चुके हैं और अब चलिए चलते हैं नीचे। और अभी ना बारिश रुके हुए काफ़ी देर हो चुका है, तो जो कोहरा लगा था धुंध वो थोड़ा सा कमा है। तो मैं यहाँ पहाड़ों के ऊपर से आप लोग को पूरा व्यू दिखाने का कोशिश कर रही हूँ, जितना भी दिखा सकते हैं। इसे और मैच कर रहा है जो पहले देखें क्या पहने, ये केंडू क्या कर रहा है, शॉपकीपर बन गया है। ऑरेंज वाला वो भड़किला मत करनी भैया।
क्या बोल ओवर रहना चाहिए, फिर बादल आए देखिए। ये छोटा शॉपकीपर है, इन लोग कहाँ चले गए? और यहाँ बाजार में हम लोग थोड़ा सा रुक गए हैं, थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहे हैं। तो निकल जाएगा, खाली ब्रश नहीं लगाएगा, ब्रश तो नहीं लगाएंगे, सभी नहीं निकलेगा, निकलेगा तो फेविकॉल है ना, कम मत करिएगा, फेविकॉल लगाएगा, इतना टेंशन गया क्या? सही दो ये तो फेविकॉल ही लगाया, उतना टेंशन गया थोड़ा, औरत लोग को कम दिखाने का, ज्यादा दिखाने से टेंशन, बहुत बहुत टेंशन, वो कंफ्यूज हो जाता है लोग। दिखाइए कौन सा फाइनल, कौन सा पसंद आया दिखाइए। तो शॉपिंग होने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पेट पूजा करने, क्योंकि अभी शाम होने वाली है तो बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई है। तो यहाँ पे ऊपर में ही छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो बस इसी में हम लोग आए हैं, बैठेंगे यहीं पे, चाय नाश्ता करेंगे और देखते हैं क्या अवेलेबल है, तो सब खाएंगे। सारा देखिए, अगर आप में से कोई केरला के मुन्नार में गए होंगे तो वैसा ही एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही बढ़िया हो रहा है, तो खड़ा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और हम लोग छोटा सा ब्रेक लेकर के लंच कर रहे हैं, लंच में है पाव भाजी, डोसा, मसाला डोसा, यस, और मैगी भी है। कैंडू को झाल लग गया है, कैंडू को झाल लग गया, कैंडू जल्दी से पानी पी लो। एनिमल्स भी खा रहा है क्या? हाँ, एनिमल्स भी खा रहा है। मसाला डोसा एक ही दिया कि दो दिया? माता जी के दर्शन भी हो गए, पेट पूजा भी हो गया, चाय भी पी रहे हैं। वेदर देखिए इतना अच्छा वेदर है, ऐसा लग रहा है शिमला या मनाली में बैठ के गर्मा गर्म चाय पी रहे हो, और बारिश भी स्टार्ट हो गई है फिर से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और मामी जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी। आलू उसको तो सब चीज अच्छा लगता है, ये तो है ही एंजॉयमेंट बाबू। और कैंडू कैसा लग रहा है? अच्छा पूछी दे तो सबको। और पापा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कैंडू। यहाँ सामने बारिश हो रही है लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि आसमान नीचे है। तो अब दर्शन होने के बाद अब नीचे जाएंगे, तो उसके लिए भी फिर से हम लोग लाइन में खड़े हैं। ये उड़न खटोले की लाइन है, तो आते समय मैंने दिखाया था जो कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो वही भीड़ है क्योंकि जितने लोग दर्शन करने आए फिर उन्हें लौटना भी है, तो बस उसी लाइन में हम लोग खड़े हैं। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ, देखिए क्या कैसा लग रहा है भाभी, कैसे क्या हो रहा है? तो मजा आया है बच्चों को गोदी में लेके। आज फिर एक्सपीरियंस हो रहा है कि मेरा एक छोटा बेटा है। ए देखो गोदी में है क्या? इससे ना जा मम्मी का, इससे मामी पंचर हो जाएगी। तो यहाँ फिर से बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण फिर से वही वेदर हो गया है, पूरा धुंध छाया हुआ है। तो देखिए हम लोग इस तरफ खड़े रोड के और रास्ते के उस तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था, और बस अब जा रहे हैं रोपवे की लाइन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, तो इतनी भीड़ होने के कारण टाइम भी काफ़ी लग रहा था, धीरे धीरे से लाइन तो बढ़ रही थी लेकिन फिर भी इतने सारे लोग हैं तो टाइम तो लगना ही है। ऐसा लग रहा है हम लोग बादलों में जा रहे हैं, से उतर रहे हैं। देख ऐसा लग रहा है बादलों के बीच से जा रहे हैं। लक्ष्मी बाई करते काली माता जी को, बाय बाय। काली माता को बाई करो, बाय बाय। आरू थक गया है बाबू, आरू बच्चा हमारा बहुत थक गया है, इसका एनर्जी बहुत है इसमें, अभी भी इतना दूर है तो भी आई। मौसम तो आज का थोड़ा सा खराब है, मतलब बारिश हो रही है काफी ज्यादा, लेकिन
फिर भी हमने अच्छे से दर्शन कर लिए माता जी के और फाइनली घर जा रहे हैं। नीचे का व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के, ऐसा लग रहा है बस बादलों के बीच से हम गुजर रहे हैं। तो बस अब हम लोग निकल चले पड़े हैं घर की तरफ। तो बस आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो फिर मिलूँगी बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।